स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिसेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम दिस इज सरली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर टवेल्व दैट इज़ कॉल्ड थ्री डेज टू सी तो आज हम क्लास नाइन का यूनिट नंबर टवेल्व जो है वो पढ़ने वाले हैं इसका नाम है थ्री डेज टू सी यानी देखने के तीन दिन बसारत के तीन दिन ठीक है तीन दिनों में राइटर ने क्या दिखा क्या उसके अंदर बताती है ठीक है हेलन कैलर जो है वो इसकी राइटर है उसने ये जो ये स्टोरी है ये जो लिखी हुई है उसकी अपनी बायोग्राफी भी कह सकते हैं शी वाज ब्लाइंड एंड डफ तो वो गगी बहरी एक कहने के स्टूडेंट थी अपने टाइम की तो ये उसने अपनी आप बीती लिखी हुई है समझ लें आप तो आज हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें उसने बताई हमें ओके पैराग्राफ नंबर वन देखें समटाइम्स आई हैव थाट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी शुड डाई मोरो कहती है कि समटाइम्स कभी कभी आई हैव थाट मैंने सोचा डैट ये मैं सोचती हूँ डैट कि इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल कि एक अच्छी हुमरानी होगी टू लिव या एक अच्छा रूल होगा एक अच्छा रूल होगा टू लिव ईच डे कि हर दिन को ऐसे जिया जाए एज़ इफ वी शुड डाइटमारो जैसे हमने कल मर जाना है या जैसे हमारी ज़िंदगी कल वो ख़त्म होने वाली है सच एन एटीट्यूड वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ तो कहते हैं कि इस तरह का रवैया जो है वो तेज़ी से ज़िंदगी की कदर को वाजे कर देगा ठीक है एम्फसाइज़ कर देगा वाजे कर देगा शार्पली तेज़ी से वैल्यूज़ ऑफ लाइफ ज़िंदगी की कदर को हम समझेंगे कि ज़िंदगी क्या है वी शुड लीव इच डे विद जेंटलनेस तो हमें वी शुड लीव हमें जीना चाहिए इच डे हर एक दिन को विद जेंटलनेस नरम मिजाजी के साथ विगर एंड अकिनस ऑफ एप्रिस एप्रीसीशन तो हमें कहता है कि नरम मिजाजी कहती है सॉरी नरम मिजाजी ठीक है विगर हौसला अफजाई और तारीफ की ख्वाहिश पर गुजारना चाहिए विच इज़ ऑफन लास्ट वन टाइम स्ट्रेचिज़ बिफोर अस इन द कॉन्सटेंस पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम तो कहते हैं कि ये इस वक्त ज़ाया हो जाता है लास्ट ज़ाया हो जाना वन टाइम स्ट्रेच जब वक़्त हमारे सामने इन द दांसटेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज जब वक्त हमारे सामने दिनों ठीक है डेज दिनों एंड मंथ्स और महीनों एंड येयर्स टू कम और मसलसल आने वाले सालों की शक्ल में फैला हुआ होता है यानी जिंदगी जो है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है ज़िंदगी जो है ये फैलती जाती है हमारी मुश्किल जो हैं जिम्मेदारियाँ ये बढ़ती जाती हैं ज़िंदगी का दायरा वसी तर होता जाता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो देर आर दोज ऑफकोर्स हुडोप्ट द एपीक्यूरियन मोटो ऑफ ई ड्रिंक एंड बी मैरी जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी एपिक्यूरन का ये कोल अपनाए हुए हैं अडॉप्ट किया अपनाया उन्होंने कि खाओ पियो ठीक है इट, ड्रिंक एंड बी मैरी खाओ पियो और खुश रहो बट मोस्ट पीपल वुड बी चेसेंट बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं मौत के वक्त ज़रूर अपने आप मौत के वक़्त के ज़रूर आने को अपने ऊपर हावी किए हुए हैं यानी उनको पता है कि हमने मर जाना है एक दिन और जब उनको पता है कि हमने मर ही जाना है तो वो अच्छे काम करते हैं वो जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारते हैं जैसे गुजारनी चाहिए पॉजिटिव रहते हैं वो इन स्टोरीज कहानियों में द डूम्ड हीरो इज़ यूजली सेव्ड एट द लास्ट मिनट बाय सम स्ट्रोक ऑफ फार्च्यून तो तबाह बर्बाद डूम्ड हीरो जो तबाह बर्बाद हो चुका होता है इज़ यूजली सेव्ड वो बच जाता है कहानियों के अंदर आखिर में एट द लास्ट मिनट आखिरी मिनट में बाई सम ऑफ फॉर्चून किस्मत के किसी झटके की वजह से वो आखिरी पाँच मिनट में या आखिरी एक मिनट के अंदर वो हीरो बच जाता है जबकि नाइन्टी परसेंट वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है बट आलमोस्ट ऑलवेज ही सेंसिस ऑफ वैल्यूज चेंजड लेकिन हमेशा तकरीबन तकरीबन ही इनकी जो अकदार की एहसास को वो तब्दील कर दिया जाता है ही बिकम्स मोर अप्रीशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स पर्मानेंट स्परिचुअल वैल्यूज़ वो ज़िंदगी के मैनी और इसके मुस्तकिल रूहानी इकदार की ज़्यादा करीब हो जाता है ठीक है वो ज़िंदगी के मैनी को इसको, इसको समझ जाता है उसको पता था कि मैं मौत के मुँह से बच के निकला हुआ हूँ और मुझे जो है इस जिंदगी की वैल्यू जो है वो समझनी है ठीक है तो ये इसकी स्परिचुअल जो वैल्यूज़ हैं ये इसको भी बढ़ाता है इट हैज़ ऑफन बीन नोट दैट दूज हु तो कहते हैं कि अक्सर कहा गया है कि वो लोग जो मौत के साय में ज़िंदा हैं या जिंदा रह चुके हैं और हैव लिव्ड और यह रह चुके हैं इन द शेड ऑफ डेथ मौत के साय में बीइंग अ मेलो स्वीटनेस टू एवरी थिंग दे डू तो वो कहते हैं कि इस काम की मतलब जो मौत के साय में ज़िंदा हैं या ज़िंदा रह चुके हैं इस काम की जो वो करते हैं एक खुशगवार मिठास लिए हुए हैं स्वीटनेस कहते हैं मिठास को ठीक है आगे हम मूव करते हैं पैरग्राफ नंबर थ्री पे पर हैप्स फ़र्ज़ करें या शायद आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट बाई इमेजनिंग वाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इट इफ़ आई वॉज़ गिवन द यूज़ ऑफ़ माई आइज से फॉर जस्ट थ्री डेज फ़र्ज़ करें मैं बेहतर तरीके से बयान कर सकती हूँ कि मुझे तीन दिन के लिए अपनी आँखें इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए तो मैं सबसे ज़्यादा क्या दिखना पसंद करूँगी वो कह रही है कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें मौका दिया जाता है कि मैंने तीन दिन तक मुझे बिना ही दी जाए मैंने जैसे बोलता है वो ब्लाइंड है तो वो कह रही है इस लाइन के अंदर कि अगर उसको मौका दिया जाए तीन दिन देखने का तो वो बताने लगी है कि वो क्या चीज़ें देखना पसंद करेगी ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन वो बता रही है कि मैं क्या देखूँगी आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस तो कहती है पहले दिन मैं इन लोगों से मिलना चाहूँगी जिनकी मेहरबानी जेंटलनेस नरम मिजाजी एंड कंपेनियनशिप और सोहबत ने हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग मेरी ज़िंदगी को काबिल कदर बनाया है मेड लाइफ वर्थ काबिल क़दर ठीक है लिविंग जीने के लिए तो मैं पहले उन लोगों से मिलूंगी जिनकी मेहरबानियों ने जिनकी नरम मिजाजी ने मेरी ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाया मुझे ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया ओके सो दैट इज़ बट ऑल अबाउट टू डेज लेसन कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्दर अभी के लिए आपको इतना ही लर्न करना है ऑफ टू सी फोन इनशा गुड बाय फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़ टेक केयर